गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय के मैदान में चल रहे गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के चौथे दिन पहला मैच संतोष स्पोर्टिंग खोराबार व खोराबार फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया तथा दूसरा मैच केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स और केंद्रीय विद्यालय फर्टिलाइजर के बीच खेला गया, जिसमें संतोष स्पोर्टिंग खोराबार व खोराबार फुटबॉल क्लब 0-0 की बराबरी पर रही। वहीं केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स ने केंद्रीय विद्यालय फर्टिलाइजर को 1-0 से पराजित किया, जिसके संबंध में गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के संयोजक एवं गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने बताया कि खोराबार की दो टीमें एक ही टीम से बनी है, दो टीम बनी हुई है जो आज इस ग्राउंड में खेल रही है। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी संघर्षपूर्वक खेल रहे हैं तथा यह फुटबॉल प्रतियोगिता बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और आने वाले दर्शक भी लुत्फ उठा रहे हैं। इस अवसर पर अजय शर्मा, वीरेंद्र पासवान, उमेश सिंह, गौतम सरकार, संजय साहनी, धर्मेंद्र, अनिल कृष्ण, प्रताप श्रीवास्तव, मेहताब अहमद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के संयोजक एवं गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने कहा, तो जरा विश्वास मार दे। नहीं बारह टू भाई ज्यादा वो लगा मैं नहीं खड़ी चल ये निकाल दूंगा कौन सा ये 15 नंबर और कहते सही गया और सही गया हां वो ये एमपी वाला फिर मार हमें छोड़ा लो। हमजा खान, फुटबॉल फैकल्टी, गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में जो कि उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ से संबद्ध है, वो लीग सिंधी महाविद्यालय के फुटबॉल मैदान पे खेला जा रहा है और ये मैच नंबर 7 है। आज के दिन जो पहला मैच खेला जा रहा है संतोष स्पोर्टिंग खोराबार और खोराबार एफसी के बीच। अभी तक जो मैच हुआ ये 0-0 का है, ये मध्यांतर के पूर्व का मैच है और आपके समक्ष ये खेला जा रहा है मैच नंबर 7। और इसके बाद तुरंत पूल डी का एक मैच होगा जो उनमें भी केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स और फिर केंद्रीय विद्यालय 2 फर्टिलाइज़र, उन दोनों का मैच, ये पूल डी का मैच होगा इस मैच के तुरंत बाद। किन किन टीमों को पीछे क्या नाम है? ये फुटबॉल संतोष स्पोर्टिंग खोराबार और फुटबॉल क्लब खोराबार, दोनों टीमें हैं। ये खोराबार की एक ही टीमें हैं, वो स्प्लिट अप होकर दो टीम अलग अलग, जैसे दो भाई अलग हो जाते हैं उसी तरह इनका भी है, एक टीम से ये दो टीम बन गए और एक ही एज ग्रुप की टीम है। ये आप देख रहे हैं संघर्षपूर्ण मुकाबला है ये आपके समक्ष।